गाइस देखिए मुरारी सर यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, मेरा भी फाइनली नाश्ता आ चुका है। और इधर मंतोष सर है और राजदीप सर देखिए। गाइस देखिए यहाँ पर ब्रजेश सर आ चुके हैं, अभी कोचिंग पर से सर आए हैं कहने के लिए कि कल जो है रविवार को वहाँ पर चलना है बैतूना, ठीक ना। कल सौर बाजार से आएंगे गेस्ट सब, तो वही इनवाइट करने के लिए आए हैं कि जल्दी से तैयार हो जाइएगा। इसीलिए सर पहले ही ऑलरेडी हमको तैयार कर चुके हैं कि कल किसी भी परिस्थिति में लेट नहीं कीजिएगा जाने में, ठीक है। तो ब्रजेश सर जो फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब हम लोग कल का दृश्य दिखाएंगे बैतूना का सारा दृश्य, जो गेस्ट सब आएंगे फलदान करने के लिए ब्रजेश सर का, तो सारा दृश्य आपको दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में, और चैनल पे नए तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। दोस्तों आज मेरे परम मित्र ब्रजेश सर का जो है आज तिलक करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तिलक का मतलब ये हुआ, तिलक का जैसे कि तिलक का कई सारे सिनोनिम्स है, जैसे कि तिलक करना, तिलक चढ़ाना, और कहते हैं उसको फलदान करना, ठीक है। और गांव की भाषा में हम लोग उसको छेका बोलते हैं, है ना। छेका ये मतलब हुआ, छेका का मतलब ये हुआ कि हम आपको छेक लिए हैं, ठीक है, ये राजपाट पूरा जो है मेरा हो गया, अब इस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, ये हुआ छेका का मतलब। तो आज मेरे दोस्त ब्रजेश सर का जो है छेका करने के लिए आएंगे, ठीक है, तिलक चढ़ाने के लिए। तो आज वहीं पर जाएंगे, और आज संडे भी है, पर हम लोग जब शाम में चलेंगे गाइस यहाँ से बैतूना सौर बाजार से गेस्ट आएंगे, और वहाँ पर कुछ सामान खरीदेंगे ब्रजेश सर के लिए, ठीक है। तो ये बच्चा देखिए, आप आर्यन को देख रहे हैं, ये सुबह से ही मुझे परेशान कर दें कि गेंद खेलने के लिए कह रहा है जाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं फील्ड पर, वहाँ पर मैच भी खेलेंगे, ठीक है। और कल जो है पर्यावरण दिवस है, और चलिए पर्यावरण के दिवस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे आज ही। तो पहले चलते हैं मैच खेलने के लिए, ठीक है। आप मेरे साथ में आर्यन है, जा रहे हैं मैदान फिर गेंद खेलने के लिए गाइस। देखिए मेरे साथ में भी बैट बॉल है, बॉल दिखा दो बाबू, ये देखिए बॉल है, और मेरे साथ में ये देखिए बैट है। इन्होंने कहा कि 6 दिन के बाद संडे आता है, और बड़ी मुश्किल से 6 दिन हम लोगों को किसी तरह बिताना पड़ता है, आज संडे है जल्दी चलिए खेलने के लिए। तो फाइनली इनका बात मान लिए गाइस। देखिए बैट इतना इसका यूज हुआ है कि बैट टूट गया है गाइस, ठीक है। और इनका कहना है कि कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आदमी खेलेंगे, आज ज़बरदस्त मैच हो गया गाइस हम लोगों का। इस तरह से मैदान का सीन है गाइस, और ये हम लोगों का जाने वाला रास्ता, इधर से देख रहे हैं गाइस। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैट बॉल खेल रहे हैं। ये हम लोग फाइनली मैदान पर पहुँच चुके हैं, और क्या नाम है तुम्हारा बाबू? हिमांशु, इसका नाम है देखिए गाइस हिमांशु। हिमांशु भी आए हैं खेलने के, और यहाँ पर आर्यन देखिए जबरदस्त छक्का, और ये आर्यन छक्का मार चुका है गाइस। ये देखिए बाउंड्री को पार करते हुए ऐसा घूम गया है, इस बार देखते हैं क्या होता है। और ये जबरदस्त हेलीकॉप्टर शॉट लग चुका है गाइस, देखिए आर्यन की तरफ से इस बार बाउंड्री पार करते हुए इसका 100 मीटर ऊपर की ओर लहराते हुए आसमान में ये गेंद पहुंचा है। दोस्तों काफ़ी धूप लगने के कारण हम लोग इधर छांव में आ चुके हैं। तो दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा, कल 5 जून है, कल पर्यावरण दिवस है, तो इस दिन हम लोगों को काफ़ी पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ठीक है। सब आदमी पेड़ पौधा लगा, अभी देखिए गाइज अगर ये पेड़ पौधा नहीं रहता तो हम लोग कहाँ पर रेस्ट करते, कहाँ पर आराम करते गाइज, आप ही बताइए। तो इसीलिए आज 4 जून है, कल 5 जून है, कल पर्यावरण दिवस है, और आप सभी को पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी अपने अपने नाम से एक एक पेड़ पौधा जरूर लगाने का प्रयास कीजिएगा हमेशा, ठीक है। जितना हो सके पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले, और कहीं पर जाए तो हमें उसका छांव का आनंद ले, ठीक है। ऐसे पूछते हैं, बाबू तुम्हारा क्या नाम हुआ? हिमांशु कुमार। देखिए इसका नाम हिमांशु, बाबू तुम्हारा नाम? आर्यन। कल क्या है, कल 5 जून को क्या मनाते हम लोग? पर्यावरण दिवस है ना, 5 जून को क्या मनाते हैं आर्यन? पर्यावरण दिवस है ना, कल हम लोग जो है पर्यावरण दिवस मनाएंगे गाइज। मालगाड़ी गाइज अभी देखिए जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं रूम पर, कितना मस्त लग रहा है ये गाड़ी, आप देखिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा, ये काफ़ी मस्त लग रहा है गाइज देखने में ये गाड़ी। और आर्यन बाबू कल ही मेला से खरीदे हैं, तो गाइज यहाँ पर ब्रजेश सर के लिए जूता खरीद रहे हम लोग। तो गाइज फाइनली हम लोग बाइक से जा रहे हैं बैतूना, हम और मुरारी सर हैं गाइज। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रजेश सर के घर पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर टेंट लगा हुआ है गाइज,
गाइस हम नाश्ता कर रहे हैं, मिथिलेश सर अभी आए, लेट हो गया था सर पहले में। सर का नाश्ता जबरदस्त है, आप देख रहे हैं गाइस, और ये ऑफर में मिला है, कुछ झिलिया है ऑफर में, एक्स्ट्रा में आया था। छोड़ दे। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी गेस्ट बैठे हुए हैं एक जगह, और देखिए यहाँ पर लगभग 150 गेस्ट होंगे गाइस। और गाइस फाइनली ब्रजेश सर अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ मिथिलेश सर और मुरारी सर आपस में बातचीत कर रहे हैं गाइस। और गाइज फाइनली ब्रजेश सर को यहाँ पर ढेर सारे आशीर्वाद दे रहे हैं सभी गेस्ट। और गाइज फाइनली ब्रजेश सर अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं गाइज, देख रहे हैं आप। गाइज यहाँ पर हम और ब्रजेश सर दोनों आदमी एक साथ सेल्फी ले रहे हैं और काफी मस्ती कर रहे हैं गाइज, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। गाइज इस चापाकल को देखिए, दुनिया का सबसे लंबा चापाकल है ये। गाइज इसकी खासियत है कि आप इसको खड़े होकर ही चला सकते हैं सिर्फ। तो गाइज अब हम छत पे चढ़ते हैं, आप देख रहे हैं जा रहे हैं छत पर। तो गाइज आप देख रहे हैं छत पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल टी शर्ट में मिथिलेश सर, और उसके बाद हम हैं, ठीक है, और मेरे लेफ्ट साइड में गाइज मुरारी सर बैठे हुए हैं, और सभी आदमी भोज खा रहे हैं गाइज, मस्ती करते हुए भोज खा रहे हैं। हम लोग भोज खा करके रिटर्न हो गए हैं बस स्टैंड, पुरानी बस स्टैंड की सीन। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम पर, और गाइज आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।